हरसम भाई। एक्चुअली मैं और उजाला बचपन से एक दूसरे को पसंद करते हैं। सो सॉरी यार, मुझे नहीं पता था कि मेरी वजह से तुम लोग को इतनी परेशानी हुई। नहीं, अगर मुझे जरा सा भी इल्म होता ना तो मैं दादी को कभी भी इस रिश्ते के लिए हाँ करने को ना कहता। लेकिन तुम बेफिक्र रहो, उजाला तुम्हारी थी और तुम्हारी ही रहेगी। बस तो फिर इस बात को सच करने के लिए हमें बहुत तरीके और सलीके से काम लेना पड़ेगा। जी भाभी, आप लोग मुझसे मिलके मेरे दिल में दोबारा से उम्मीद की किरण जाग उठी। ये दे दीजिए। नहीं नहीं अरसम भाई, मैं पे करूंगा। नहीं आज नहीं। वो शादी के चक्कर में, बरी बनाने के चक्कर में आपसे उन्होंने काफी सारे पैसे बटोरे थे, तो बस आजकल उसी को खर्च करने में बिजी है वो। ये आपने बुलाया जी? हाँ हाँ, इधर आओ। मैं तुमसे कुछ सवालात करूंगी और तुमने मुझे उनका सच सच जवाब देना है। दादी जान, मैं आपसे झूठ कैसे बोल सकता हूँ? अच्छा देखो, पड़ोस में तो तुम्हारा आना जाना रहता है, जरा मुझे उनके बारे में बताओ कि किस किस्म के लोग हैं। दादी जान, कुछ तो अच्छे लोग हैं, कुछ बहुत अच्छे लोग हैं, और कुछ आप बेहतर समझ लीजिए। ठीक, तो अब ये बताओ कि अच्छे कौन है? जी मरीन बीबी और साहब अच्छे हैं। और बहुत अच्छे? जी परी बीबी बहुत अच्छी हैं, बाबर साहब बहुत अच्छे हैं, सच्चे हैं, खरा बोलते हैं जी। और परी बीबी देखें इतनी अमीर है, इतनी दौलतमंद है, लेकिन गुरूर उनको छुआ तक नहीं जी। बस कर, एक तो तू बोलता इतना ज्यादा है ना कि बस। अच्छा इधर ये बताओ मुझे कि ये हसीना बेगम और उजाला ये कैसी है? मैं तेरी जान ले सकता हूँ, ठीक है? हमारी होने वाली भाभी खड़ी, कहीं रुखसती के वक्त इसी तरह तू हाथ हिलाता ही ना रह जाए। तौबा तौबा जी, मैं मतलब उजाला बीबी तो इस घर की बहू भी बनने वाली हैं, कुछ सच बोल दिया तो मेरी नौकरी हाथ से निकल जाएगी जी। मैं हूँ ना, डरते क्यों हो? सच सच बताओ मुझे। मैंने तो आपको भी दूध से मक्खी की तरह निकालने का मंसूबा बनाया भाई। क्या कह रहे हो तुम? देख लिया ना जी, आपको भी जलाल आ गया ना, मुझे तो माफ करे ना जी। वो हसीना बीबी जो है ना, बड़ी जालिम है, मेरे जैसे मासूम लड़के का क्या करेंगी, मुझे तो कुछ नहीं पता जी, माफ करे ना जी। ठीक, चलो जाओ तुम, मैंने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली हुई। आजकल की लड़की है उजाला, सीधा करके रख दूंगी।